हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल बट अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो हमारे सफर का आगाज़ हो रहा है वो हो रहा है नारायण से बाबूसर टॉप। वहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए सब, हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बाबूसर टॉप जा रहे हैं। और वहाँ पे मैंने अभी सुना है कि वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं वहाँ की बर्फबारी देखूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी बर्फबारी नहीं देखी। और बहुत ठंडा मौसम हो रहा है माशाल्लाह से। स्वेटर भी लिए हुए हैं, शॉल भी लिए हुए, टोपे भी लिए हुए हैं। वहाँ जाके सब पहनेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड है। सब ने नीचे से हमें आगाही दे दी थी कि ऊपर जाके आप लोग सेफ्टी रखिएगा, बहुत ठंड है, बर्फबारी हो रही है। इस वजह से हम अपनी सारी सेफ्टी लेके चल रहे हैं। और आगे जाके आपको दिखाएंगे वहाँ के खूबसूरत मनाजर, हसीन नज़ारे, बर्फबारी सब आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, मेरी वीडियो में बने रहना है। और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल बटन को करें प्रेस, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके गाइस, ये हम लोग जा रहे हैं बाबूसर टॉप। और इसका ये आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ का रास्ता। ये पहाड़ से पानी आ रहा है, बहुत जबरदस्त है। मछली बच्चे सही होंगे। ओके जी गाइस, ये देखें हम पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप पे। तो ये देखें इसका व्यू। अभी मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ, लेकिन इतनी हवा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बंदा हिल रहा है। लेकिन खूबसूरती इधर ख़त्म है, इंसान बता ही नहीं सकता। ये देखिए बहुत हसीन है, ये खुदा की कुदरत है। और
हमने जाना है उधर, आपको वो नज़र आ रहे हैं, हमने वहाँ जाना है। अब हम वहाँ जाने लगे हैं, कितनी ठंड है। मैंने टोपर लगाया है, मैंने अपर भी पहना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी इस वजह से, और इतनी परेशानी भी है। मैशा टोपर है आपका मैशा, और अभी हमने जाना है बहुत ऊपर। मैं वहाँ जाऊँगी क्योंकि अब चले से पहन गई हूँ, तो अब मैं जाने लगी हूँ क्योंकि ठंड थी, मैं बहुत हिल रही थी। तो अब हम चलती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम जा रहे हैं जी, आई थिंक यहाँ से जाना है शायद, आई थिंक यहीं से जाना है, सीढ़ियाँ यहीं से हैं। हाँ जी, यहीं से जाना है। अब ये चढ़ाई पे हम चढ़ रहे हैं और हमने वहाँ जाना है टॉप पर। ओह माय गॉड, और हम लोग यहाँ पे 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करके आए वहाँ से, नारायण से, सिर्फ ये नज़ारे देखने के लिए, ये खूबसूरत हसीन नज़ारे देखने के लिए। इतना दूर का सफ़र हम तय करके आए, और वाकई सफ़र कुछ भी नहीं है, थकान कुछ नहीं है। जब आपने ये देख लिया तो बस सब ख़त्म, बहुत खूबसूरत है। बस आप ये सोचें कि जब ये इतना खूबसूरत है तो जन्नत कैसी होगी। बहुत खुशनसीब हैं हम लोग क्या मुसलमान हैं। ओह माय गॉश, ये जी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर तक, यानी कहाँ तक जा रही है ये सीढ़ियाँ। ये फैमिली यहाँ पर, यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, पकौड़े शकौड़े मिलते हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए, सिटिंग के लिए भी जगह बनाई हुई है। यहाँ हम लोग बैठ गए, बहुत तबीयत खराब हो गई, साढ़े नहीं जा रहा। इधर आइए जोहा, जोहा इधर आइए, जोहा इसको जोहा को पकड़ के लाइए, इधर आइए। सांस भी नहीं आ रहा, ऑक्सीजन भी कम है यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, और सांस हो रहा है, फ्लो होने लग गया है। और यहाँ पे हम लोग देखें ज़मीन पे हम लोग बैठ गए, ठीक है, बहुत मुश्किल है। जाएंगे ऊपर, बट रुक रुक के जाएंगे, सांस ले लेके जाएंगे। जब इतना आए हैं तो घूम के जाएंगे, सब एंजॉय करके जाएंगे, देख के जाएंगे आखिर ऊपर और कितना ऊपर है, और ऊपर के मनाजिर कैसे हैं, वही सब देख के जाएंगे। थोड़ा रेस्ट करें उसके बाद ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। जोहा को देखें, भालू लग रही है, मैंने उसको डबल तिबल 3-3 मैंने उसको मोटे सूट पहनाए हुए, और 2 इसके इसने भालू, इसने वो पहने हुए टोपे, ग्लव्स भी, जोहा ग्लव्स दिखाई अपने, देखे जोहा ने ग्लव्स भी पहने हुए, तो मेरे हाथ कप कपा रहे हैं। अभी यहाँ देखें हम लोग पीने लगे हैं चाय, क्योंकि चाय के बगैर गुजारा नहीं है, चाय बोला है। थोड़े साथ बच्चों को फ्राइज देंगे क्योंकि बच्चे बहुत सर्दी में कप कपा रहे हैं। ये देखें हिम्मत नहीं हो पा रही है। ये देखिए जी, ओह माय गॉड, जोर टोपा पहनो, टोपा पहनो, बहुत ठंड हो रही है, जल्दी से टोपा पहनो, शाबाश जल्दी से। ये देखिए वो आजम ऊपर चढ़े हुए, जोहा बता रही है, कोशिश कर रही है, जोहा इतना जाओ, जोहा जोहा आसमान। oh
ऐसे मामा आपकी शॉल पे मक्का चूल लगा हुआ है, हटा दूं? ये लो घूमो। क्योंकि हमें वो हिम्मत नहीं थी कि हम वहाँ जाके ऊपर सांस ही नहीं आ रहा था और ऊपर ना बादल आने शुरू हो गए थे बहुत ज्यादा और इतने बर्फ के हाथों में ठंड की वजह से बहुत ठंड हो गई थी इसलिए नीचे आ गए बस कॉफी पी के पूरा नीचे आ गए ये देखें इतने वो आ रहे हैं धुएं सोहा बताइए क्या हो रहा है आपकी फीलिंग क्या है सोहा इधर देखो सोहा ठंडी हो रही है ठंडी लग ली है क्या पिया मेरे बेटे ने अभी कॉफी पकौड़े पकौड़े और फ्राई अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाबू सर टॉप का बहुत मज़ा आया बाबू सर टॉप में दो चीज़ नहीं देखी भी होती है ना वो इंसान को देखने की जस्तजू होती है तो बस यही चीज़ मेरे साथ थी मुझे देखने की जस्तजू थी लेकिन जब मैं गई तो मेरी बस उब गई क्योंकि हमारे में इतना स्टेमिना और इतनी बर्दाश्त नहीं है कि हम जाएं ऊपर और इस ठंड को इस हवा को झेलें इतना हमें नहीं था तो हम फ़ौरन भाग के नीचे आ गए हम टॉप पर भी नहीं गए थे हम मिड में थे हम टॉप पर बिल्कुल नहीं गए टॉप पर तो ऑक्सीजन नहीं मेरे फैमिली गए थे ऑक्सीजन नहीं आ रहा था तो हम ऊपर गए ही नहीं तो हम सिर्फ यहीं तक ही रहे बस अभी बादल आने शुरू हो गए तो हम फ़ौरन नीचे आए कि ना क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है अगर इन केस के बारिश हो जाती है या बर्फ़ पड़ जाती तो फिर छोटे छोटे बच्चे हमारे बच्चे ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हम भी खुद भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते इसलिए फ़ौरन से हम नीचे आ गए हैं और बस मेरी बस हो गई है चले जी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट्स शेयर किया करें मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पे अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़ दीदी है बारिश की जली।